हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और स्वागत है आपको अनुराधा केयर के एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अगर आप लंबे समय से ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए और फिर भी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, और आपका पीरियड्स इरेगुलर है, तो हो सकता है कि आप पीरियड्स तो आ रहा है लेकिन आप ओवुलेट नहीं कर रहे हैं, यानी कि आपका ओवरी से एग रिलीज ही नहीं हो पा रहा है। कंसीव करने के लिए ओवरी से एग रिलीज होना बहुत ही ज़रूरी होता है, और वो भी सही समय पर। अगर सही समय पर एक रिलीज़ नहीं हो पा रहा है तो एक का क्वालिटी भी ख़राब होता है। तो आपका जो शरीर है वो बहुत सारे साइंस देते हैं और बहुत सारे सिम्टम्स होता है, जिसे कि आप आसानी से पता कर सकते हैं कि शायद आपका ओवुलेशन हो ही नहीं रहा है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे उन लक्षणों के बारे में जिसे कि आप पता कर सकते हैं कि शायद आपका शरीर और शायद आपका ओवरी से अंडा निकल रहा ही नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का है वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने अनुराधा केयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर अनुराधा केयर चैनल में नए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कीजिए, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी चलकर मिलती रहे। देखिए दोस्तों, बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, क्या ओवुलेशन ना होते हुए भी पीरियड्स आ सकता है? बिल्कुल भी आ सकता है, ओवुलेशन ना होते हुए भी पीरियड्स आ सकता है। तो अगर आप लंबे समय से ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए, लगभग एक ईयर से, यानी कि 1 ईयर से, 1 साल से ट्राई कर रहे हैं, और आपका पीरियड्स इरेगुलर है, तो हो सकता है कि आपका ओवुलेशन नहीं हो रहा है। तो इसका जो पहला लक्षण है वो है आपका इरेगुलर पीरियड। अगर आपका पीरियड का लेंथ 21 डेज से 36 डेज का है, यानी कि हर 21 दिन में या फिर हर 36 डे में आपका पीरियड्स आता है, तो आपका जो साइकिल है वो नॉर्मल है और इसमें घबराने वाला बात नहीं है। लेकिन अगर आपका पीरियड्स लेंथ 21 डेज से कम है या फिर 36 डेज से ज़्यादा है, तो हो सकता है कि आपका ओवुलेशन नहीं हो रहा है। और एक भी एक सिम्टम होता है कि अगर हर महीने आपका पीरियड डिफरेंट टाइम पर आता है, सपोज एग्जांपल इस महीने आपका 21 डेज पर आया और 22 डेज पर आया, अगले महीने आपका 35 डेज के बाद आया, तो इससे भी पता सब कंडीशन होता है कि आप शायद आपका ओवुलेशन नहीं हो रहा है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण होता है वो है आपका बेसल बॉडी टेम्परेचर में इंक्रीज ना होना। जब भी आपका शरीर में ओवुलेशन होता है, उसका तुरंत बाद 1-2 दिन तक आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो थोड़ा सा इंक्रीज रहता है, यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो अगर महीनों के बीचों बीच अगर आप ये सिम्टम महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका ओवुलेशन नहीं हो रहा है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, जो कि आप आसानी से पता कर सकते हैं सर्वाइकल म्यूकस है, उससे पता कर सकते हैं कि आपका ओवुलेशन नहीं हो रहा है। देखिए दोस्तों, जब भी आपका ओवुलेशन होता है तो आपका जो सर्वाइकल म्यूकस है वो बिल्कुल भी वाटरी हो जाता है, उसका फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो एकदम चिपचिपा सा एग वाइट की तरह होता है। अगर आप वो डिस्चार्ज को अपने उंगलियों के बीच में लेंगे तो बिल्कुल भी स्ट्रेची हो जाएगा। अगर महीनों के बीचों बीचों वाला दिन आपका जो वजाइना से डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल भी ड्राई रहता है, सूखा रहता है और बिल्कुल भी हार्ड रहता है, तो ये भी एक साइन है कि आप शायद ओवुलेशन ना कर पाए, फिर आपका ओवरी से ओवुलेशन नहीं हो रहा है। तो ओवुलेशन ना होने के पीछे बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, या फिर अगर आप ज़्यादा ओवरवेट है या फिर अंडरवेट है, आपका वजन ज़रूरत से ज़्यादा है या फिर ज़रूरत से कम है, अगर आप पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से, फिर PCOD या फिर PCOS है, अगर आपका थायराइड का प्रॉब्लम है, या फिर आपका हार्मोनली इम्बैलेंस है, या फिर आपको पुअर न्यूट्रिशन है, यानी आपका पोषण में कमी है, या फिर आपका ओवरियन फेलियर है। ओवरियन फेलियर मीन्स आपका ओवरी अंडा रिलीज करने में, यानी कि ओवुलेशन करने में बिल्कुल भी फेल है, तो ये सब कारण हो सकते हैं। तो अगर आपका पीरियड इरेगुलर है और आप लंबे समय से ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए और कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर मिले और उनसे कंसल्ट कीजिए कि शायद आपका ओवुलेशन हो रहा है या फिर नहीं। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में आपको एक ज़रूरी जानकारी मिली होगी ओवुलेशन के बारे में। सो और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।